सो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग नमस्कार मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं डेंटल एप्सेस के बारे में अगर आपको मुंह में पस पीप की समस्या है तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है हम बात करने वाले हैं डेंटल एप्सेस के बारे में उनके टाइप्स के बारे में मतलब कहाँ कहाँ से ये समस्या देखने मिलती है फिर इनके सिम्टम्स के बारे में फिर इनके कॉजेस के बारे में मतलब क्या रीज़न्स हैं ये प्रॉब्लम होने के लिए फिर हम जानेंगे कि इनका ट्रीटमेंट क्या है क्या इलाज है जिससे ये प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है फिर हम जानेंगे कि क्या ये प्रॉब्लम एक डेंटल इमरजेंसी है मतलब इसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ये आप ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं कराते हैं इसका तो ये वीडियो को पूरी देखिए ये डेंटल स्टूडेंट के साथ साथ हर एक आम आदमी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ अवेयरनेस तो अवेयरनेस होनी चाहिए तो ये वीडियो पूरी देखिए और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे तो आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलते रहे साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो so सोगाइ सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये डेंटल एप्सेस क्या होता है तो डेंटल एप्सेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ पस जब पस का कलेक्शन हो जाता है तो उस चीज़ को बोलते हैं डेंटल एप्सिस और ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ता है तो ये पस का समस्या एप्सेस का समस्या भी बढ़ जाता है अब हम ये जानते हैं कि ये किस किस जगह आपको देखने मिल सकती है और इसके क्या रीज़न्स होते हैं तो रीजन्स मैं पहले बता देता हूँ इसमें दो कारण होते हैं एक होता है सिस्टमिक प्रॉब्लम और एक होता है डेंटल प्रॉब्लम तो सिस्टमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर है you <sighs> किसी को सिस्टमिक डिसीज़ है जैसा डायबिटीज़ है तो ये प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकती है साथ ही साथ डेंटल प्रॉब्लम भी होती है तो डेंटल प्रॉब्लम में आपको आगे बताऊँगा जैसे जैसे मैं आपको एक एक टाइप्स बताते जाऊँगा एप्स के उस हिसाब से मैं उसके रीजन्स भी बताते जाऊँगा ठीक है क्या डेंटल रीजन्स के कारण ये प्रॉब्लम होती है ठीक है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस किस जगह पर आपको देखने मिल सकती है तो मुख्यतः ये आपको दांत के नीचे के छोर में देखने मिलेगी ठीक है बहुत लोगों को यहाँ पर मिलती है आपके अक्लदाड़ में पस

टाइप मैंने आपको बता दिया दूसरा जो है जिंजाइवल जिंजाइवल मतलब आपके मसूड़ों में आ, स्वेलिंग हो जाती है और वहां से पी पाती है और से तो वो भी क्यों होता है जो व्यक्ति अपना दांतों का साफ सफाई सही तरीके से नहीं रखता ओरल हाइजीन सही तरीके से मेंटेन नहीं करता है तो उनके मसूड़े में गंदगी जमा होने लगती है पहले तो प्लाक जमा होता है जो दिखाई नहीं देता पर धीरे धीरे प्लाक कैलकुलस में बदल जाता है जो पत्थर जैसे हो जाते हैं और फिर मसूड़ों में इंफेक्शन बढ़ जाता है और वहां से भी पस आने की समस्या देखने मिलती है ठीक है तीसरा नंबर होता है पेरियोडोंटल एप्सेस ये होता है जो जिंजाइवल एप्सेस है अगर आप इस स्टेज में ध्यान नहीं देते तो ये पेरियोडोंटल भी एप्सेस बन जाती है मतलब गंदगी और अंदर चले जाती है और ये जो एप्सेस है ये दांत के बीच में आती है मतलब दो दांत के बीच में ये इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है ठीक है जिसको पेरियोडोंटल एप्सिस बोलते हैं तो वही रीज़न है आपने सही तरीके से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते रख रख रखाव रखते नहीं साफ सफाई करते नहीं जिसके कारण इन्फेक्शन अंदर तक घुस गया अब अंदर भी आपको पीप और पस निकल रहा है ठीक है और लास्ट होता है पैरी कोरोनल एप्सेस ये जैसे मैंने बताया कि बहुत लोगों को दाढ़ में प्रॉब्लम होती है पस निकलने की पीप निकलने की ये भी बहुत कॉमन है बहुत केसेस आते हैं देखने के लिए वो क्यों होता है तो देखिए अक्कल दाढ़ सभी जानते हैं कि बाद में निकलती है अट्ठारह साल के बाद निकलती है और वो कभी भी निकल सकती है पर कई बार क्या रहती है थोड़ी सी निकलती है और उसके ऊपर तो मांस चढ़े रहता है है ना पहले तो मांसी है बाद में वो इरप्ट होगी तो कई बार क्या होता है थोड़ा सा निकलती है और मांस उसके ऊपर जो रहता है वहाँ पे गंदगी जमा होने लगती है और दूसरी चीज़ ये रहती है कि प्रेशर भी पड़ रहा है पीछे से दाँत का तो ये दोनों वजह के कारण वहाँ इन्फेक्शन पैदा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसके कारण वहाँ भी स्वेलिंग आ जाती है और पस ड्रेन होने लगता है मतलब पस निकलने लगता है पीप की समस्या दिखाई देती है तो ये मैंने आपको चार टाइप बताया कि क्या क्या आपको देखने मिलेगा आपके मुंह में मुख्यतः यहीं पे आपको ऐसे ही कंडीशंस आपको देखने मिलती है मुंह में और अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने मिलती है तो सतर्क हो जाइए मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं ठीक है तो अभी तक मैंने आपको बता दिया किस रीज़न्स की वजह से होते हैं कहाँ कहाँ देखने मिल सकते हैं ये आप समझ आए अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इनके कारण क्या आपको समस्या फेस करनी पड़ेगी देखिए जब ऐसा समस्या होता है तो आपको दर्द होगा बहुत ऐसे कभी कभी ऐसे सिचुएशन होती है कि दर्द पता नहीं चलता बस स्वेलिंग दिखती है आपको पीप निकल रहा है लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में दर्द शुरू हो जाता है को मान लीजिए लेफ्ट साइड में अगर ऐसा समस्या है तो दांत में भी दर्द होगा आपको कान में भी दर्द होगा सर में भी दर्द होगा कई बार दर्द इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति सो भी नहीं पाता जब सोने के लिए जाता है तो और पेन बढ़ जाता है तो इस तरह की समस्या हो सकती है साथ ही साथ स्वेलिंग आएगी वो रेडिश कलर की होगी स्वेलिंग होगी ठीक है और वहाँ से पीप निकलेगा तो इस तरह से समझ जाइए कि आपको एप्सिस हो रहा है ठीक है जब आप कुछ खाएंगे तो आपको बहुत ही गंदा स्वाद आएगा आपको बैड ब्रीथ आएगी बैड ब्रीथ की समस्या होगी मतलब बदबू की समस्या भी होगी तो इस तरह के सिम्टम्स भी आपको देखने मिलते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है इसका ट्रीटमेंट तो देखिए जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम होगी उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट अगर आपको पैरियापाइकल एप्सेस है दांत के जड़ के नीचे इन एप्सेस हो गया है तो जो पहला ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया जाएगा उसको कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर एप्सेस बढ़ चुका है तो उसको इनसाइज करके ड्रेन भी किया जाएगा मतलब उस जगह को कट करके पूरा गंदगी निकाला भी जाएगा ठीक है तो सिचुएशन के हिसाब से होती है। अगर आपको जिंजाइवल एप्सेज है मतलब मसूड़ों में एप्स आ रहे हैं वहाँ पे पीप निकल रहा है तो आपको डीप क्लीनिंग और रूट प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी मतलब अंदर से पूरा स्केलिंग करेंगे आपके दांतों को मसूड़ों को गंदगी को साफ़ करेंगे तो इस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा जिसको स्केलिंग और रूट प्लानिंग बोलते हैं अगर आपको पेरियोडोंटल एप्सिस की समस्या है मतलब और इन्फेक्शन बढ़ गया मैंने जैसे बताया आपको दांतों के बीच में मतलब दो दांतों के बीच के हिस्से में अगर आपको इन्फेक्शन बढ़ गया वहाँ पर पस आ रहा है तो आपके लिए पेरियोडोंटल फ्लैप सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं मतलब पूरे मसूड़ों को हटा के पूरा अंदर की गंदगी को साफ करना पड़ेगा क्योंकि यार सिंपल सा मतलब यही है कि गंदगी अगर जितना अंदर जाएगी उस हिसाब से उसको निकालना है और ये चीज़ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे समझ लीजिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो ये मत सोचिए कि ये एक होम रेमेडी से ठीक हो जाएगा ये आपने आप प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं ठीक है तो गाइज आपको जो भी समस्या है वो आप खुद आइडेंटिफाई करें अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो मेरे से कंसल्ट करिए उसके लिए नीचे पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और कॉल कंसल्टेशन का सुविधा है वो आप वीडियो देखिए और व्हाट्सएप और कॉल कंसल्टेशन का सुविधा उठा के आप मुझसे डायरेक्ट गाइडेंस पा सकते हैं तो आपको सही टाइम में जानना जरूरी कि आपको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है यहाँ तक आप समझ गए और लास्ट मैंने जैसे बताया पैरी को एप्सिस जिसको अक्कल दाड़ का प्रॉब्लम है तो उनको भी ये देखने मिलता है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वो डेंटिस्ट को दिखाएं ज़्यादातर या तो गम्स को हटा दिया जाता है मतलब ऊपर के मसूड़ों को मांस को हटा दिया जाता है अदरवाइज़ दांत को भी रिमूव किया जाता है वो डिपेंड करता है कि दांत का कंडीशन कैसे अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा है तो दांत को निकालने की आपको एडवाइस देंगे डॉक्टर अगर दांत सीधा है सही पोजीशन में है तो हो सकता है दांत के ऊपर के मांस को हटा दिया जाए तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ठीक है गाइस तो यहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ बताई कि कितने टाइप्स का होता है कहाँ कहाँ हो सकता है इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं अब हम ये जानते हैं क्या ये एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है मतलब ये क्या है एक डेंटल इमरजेंसी है अगर ये किसी को होता है तो आपको तत्काल जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास कि नहीं तो गाइज़ ये एक डेंटल इमरजेंसी है बिल्कुल है अगर आप तत्काल नहीं जाते तो ये इन्फेक्शन बढ़ेगा जैसा मैंने बताया ये अपने आप ठीक नहीं होता तो सिंपली सी बात है आप जितना लेट करेंगे इन्फेक्शन बढ़ेगा और पेन क्रिएट करेगा प्रॉब्लम बढ़ा देगा ठीक है और अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हो सकता तो, हो पाता, तो इसके कॉम्प्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे आप कॉम्प्लिकेशन भी सुन लीजिए आप डरिए मत देखिए यहाँ पे अवेयरनेस के लिए मैं बताया हूँ बना रहा हूं ये वीडियो कि आम पब्लिक को अवेयरनेस हो कि अगर किसी की बीमारी बढ़ रही है तो वो सही टाइम पे रुक जाए तो मैं यही वीडियो इसी मकसद से बनाता हूँ कि सही टाइम पर आपको पता चले स्थिति और आप उसमें सतर्क हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या आ सकता है सिस्ट हो सकता है मतलब जो गांठ हो सकती है गांठ बन सकती है अगर गांठ बन जाती है जिसको डेंटल सिस्ट बोलते हैं अगर वो बन जाती है तो फिर वो तो ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा ठीक है आपको लुडविक एंजाइना का प्रॉब्लम हो सकता है लुडविक एंजाइना एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आप अगर वो इन्फेक्शन बढ़ गया एप्सेस बढ़ गई स्वेलिंग बढ़ गई तो सांस लेने में भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती इवन वो सांस नहीं ले पाता फिर उसको आईसीयू में डाल के ऑक्सीजन सप्लाई करी जाती है साथ ही साथ में कैवरनस साइनस थ्रोम्बोसिस मैक्सलरी साइनोसाइटिस ऑस्टिमोलाइटिस इस तरह के भी आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं अब इनके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मैं इनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा ठीक है इस वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेन सेंस यही था मेरा मकसद यही था वीडियो का कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये आपको सही टाइम पे समझना है और इसका ट्रीटमेंट कराना है डेंटिस्ट के पास जाके और कहीं ये ट्रीटमेंट नहीं होगा यहाँ पे मैं गलती मत करना कि जनरल फिजिशियन के पास जाके दवाई ले रहे हो ठीक है उससे दवाइयों से ठीक नहीं होगा दवाइयों से कम्प्लीटली इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता फिजिकली इसको रिमूव करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया या तो स्केलिंग करनी पड़ेगी या तो दांत रिमूव करना पड़ेगा या इन इन और ड्रेनेज करना पड़ेगा या रूट कैनाल करना पड़ेगा जो भी आपकी कंडीशन है उस हिसाब डेंटिस्ट ही आपके ट्रीटमेंट करेंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन की मेडिसिन भी देंगे जो आपको कुछ दिन का कोर्स करना पड़ता है फाइव डेज थ्री डेज सेवन डेज वो डिपेंड करता है कैसी आपकी कंडीशन तो गाइज वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कि सभी को अवेयरनेस हो और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलती रहे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय